का हमारा कला सेतु का छठी कक्षा का सातवां अध्याय होने वाला है, जो कि हमारा है सजावटी डिज़ाइन, जिसमें हम जानेंगे कि सजावटी डिज़ाइन किसे कहते हैं। सजावटी डिज़ाइन कोई खाका रूपरेखा यानी कि जो यह दर्शाता है कि कोई भी वस्तु कैसे बनाई जाएगी, वह कैसे काम करेगी और कैसे दिखेगी। किसी वस्तु की बनावट, उसको बनाने की योजना और उसका खाका यानी कि रूपरेखा बनाने की कला डिज़ाइन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मन मस्तिष्क में विशेष उद्देश्य के साथ किसी काम का होना और उसकी योजना डिज़ाइन कहलाती है। इस कक्षा में हम केवल उन सजावटी डिज़ाइन का अध्ययन करेंगे जो किसी वस्तु की सुंदरता बढ़ाने या उसको सजाने के लिए बनाए जाते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि सजावटी डिज़ाइन बनाना कितना आसान है? डिज़ाइन एक बिंदु या रेखा को सुव्यवस्थित ढंग अर्थात बराबर लंबाई की रेखाएं बराबर दूरी पर इस प्रकार बिंदुओं का एक विशेष क्रम से दोहराकर तैयार किया जा सकता है, जैसा कि नीचे चित्रों में दिखाया गया है। एक तरफ ये देखिए आपको दिखाया गया खड़ी रेखाओं का प्रयोग करके, दूसरी तरफ खड़ी रेखाओं के साथ तिरछी रेखाओं का प्रयोग। वहीं आपको तीसरा ये देखिए पॉइंट खड़ी पड़ी व तिरछी रेखाओं का प्रयोग करके। तो ऊपर दिखाई गई इकाई की तरह हम अन्य इकाइयों को लगातार दोहराकर कई प्रकार के सजावटी डिज़ाइन बना सकते हैं। कुछ इकाइयों के नमूने नीचे दिए गए हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। आप जानते हैं कि वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज आदि ज्यामितिक आकृतियां हैं और इनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी प्रकृति में भी ज्यामिति विद्यमान है, जैसे पहाड़ों का आकार त्रिभुजाकार व चांद तथा सूरज गोलाकार होते हैं। इसी प्रकार भिंडी को काटने पर आप पंचभुज आकार पाते हैं। इनसे भी सजावटी डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं, जैसा कि नीचे प्राकृतिक वस्तुओं के सजावटी डिज़ाइन के नमूने दिए गए हैं।